अगर आप नए पेरेंट्स हैं तो हो सकता है आपने नोटिस किया हो कि आपके न्यूबॉर्न के सर पर एक बॉल्ड स्पॉट है, एक गंजा स्पॉट है। आइए देखते हैं कि बेबी के सर पर बॉल्ड स्पॉट होता क्यों है, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर आप अपने बेबी के सर पर ये बॉल्ड स्पॉट नोटिस करें तो आपको क्या करना चाहिए। Let's take a closer look at baby's bald spot. Why it happens? Baby's bald spot are usually caused by bald spot usually होते हैं क्योंकि babies काफी time तक एक ही position में सोते रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं और surface area का जो pressure होता है उस पर सर रब करने से वो spot गंजा हो जाता है, वहाँ पर बाल आने रुक जाते हैं। आप बॉल्ड स्पॉट को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप ट्राई कीजिए कि जब भी आपका बेबी सो रहा है या फिर लेटा हुआ है उसकी पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए। और अपने बेबी को ढेर सारा टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम पर रहने से बेबी के नेक मसल्स डेवलप होंगे, अपर बॉडी मसल्स डेवलप होंगे और वो बहुत देर तक बैक पर एक ही पोजीशन में लेटा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बॉल्ड स्पॉट को प्रिवेंट किया जा सकता है। और जब बेबी रात में सो रहा है तब भी आप उसकी पोजीशंस को चेंज करते रह सकते हैं। आप बेबी के उस गंजे एरिया को मसाज कर सकते हैं हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए। और अगर आप अपने बेबी के सर पर बॉल्ड स्पॉट नोटिस करते हैं आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे बेबी थोड़ा बड़ा होगा हेयर वापस आ जाएंगे। थोड़ी सी केयर और अटेंशन के साथ आप बॉल्ड स्पॉट को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर अगर ऑलरेडी बॉल्ड स्पॉट है तो वो बहुत जल्द ही जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, हेयर ग्रोथ वापस हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।